उन्होंने उस भूल का प्रायश्चित किया और अपने ही प्रदेश में 15 साल तक ठोंक पीट कर हर किस्म की सर्जरी सिखा करके कहा कि गुजरात में इसका काम हो गया है, इसे दिल्ली भेजो। हम तो अपनी छोटी सी चीज नहीं देते, उन्होंने तो आपको 14 में दिया और 14 वालों को बहुत सारे लोगों ने अपने अवार्ड वापस करके डराया, अवार्ड वापस कर दो। आज ये डराओ क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे दलाल बैठे हुए हैं, वो तरह तरह के प्रपंच करते हैं, कहां कहां से पैसा आता है सबको पता है। पहला वाला खामोश होने लगा तो गुजरातियों को लगा कि पहले वाले के पास बहुमत भी कम था और कुछ अकेला होने के कारण लोगों के अवार्ड भी वापस हो गए। वो ऐसा आदमी है कि उसने एक संस्था जहां से अवार्ड मिलते हैं उनको ये फोन करके कह दिया कि जो अपने अवार्ड वापस कर गए हैं अब उन्हें वापस नहीं देने हैं। अवार्ड वापस करने वालों के अवार्ड समाप्त हो गए और उसकी खामोशी को जिहादियों ने समझ लिया कि ये अब डरने लगा है, लिहाजा हमारी बात को ज्यादा ही कर रहा है। गुजरातियों ने कहा डरना मत, अभी फैक्ट्री बंद नहीं हुई है। 2019 में उन्होंने दूसरा भेज दिया। अब वो जो हैं जिन्हें अल्लाह पे यकीन था कहते थे अल्लाह के हिसाब से हम डरते ही नहीं हैं, हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, तो हमने कब कहा कि तुम डरो? हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो आज भी कहते हैं कि उस पे हमें यकीन है। 70 साल का वक्त लगाया, ऐसा भेजा है, पूछ के जाते हैं, अब चले जाएं, पूछ के जा रहे हैं। इसलिए यह सिलसिला पूरे देश में शुरू हो गया है। भारतीय राजनीति के मूल में सनातनी हिंदू कभी नहीं था। चाटुकारों ने ये मुसलमान है इसको ये भी दे दो, इसको ये भी दे दो, इसको ये भी दे दो, ये नाजायज चीजें भी दे दो, तब भी आप बर्दाश्त करते रहे। पहली बार भारतीय राजनीति के मूल के और केंद्र में सनातनी हिंदू आया है और सनातनी हिंदू आया है इसलिए 14, 19, 17, 22 लगातार पैदा हो रहे हैं। आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, यादव हैं, दलित हैं, आपको जो रहना है रहिए। ये जाति का सरनेम आपकी निजी जान पहचान है। 5 साल में अपने घर पे किससे शादी करनी है, किससे शादी नहीं करनी, किसका गोत्र मिलाना है, ये शुद्ध रूप से आपका निजी मामला है। 5 साल तक अपने उस निजी मामले को घर की चौखट के अंदर रहिए। 5 साल में एक बार एक दिन के लिए जब भी वोट करने जाएं सनातनी होके वोट करें, बस, और कुछ नहीं करना है। किसको चुनना है, किसको चुनना है, नहीं चुनना, मैं आप पे छोड़ता हूं, मेरा इसमें कोई कहना नहीं है। आप एक बार अपने पुरुषार्थ और अपने पूर्वजों को याद कीजिए, सही नरेटिव को सही तरह रखिए। इसलिए वंदे मातरम मैंने कह के जा रहा हूं, ये वंदे मातरम इसी भारत की पार्लियामेंट में पूरा बजवा के ही दम लूंगा। इस देश में अजीबो अजीब ये देश है, आप इस देश की व्यवस्था में देखिए तो आपको अजीबो गरीब चीजें मिलेंगी। इस देश में सनातन की पहचान, शुद्ध रूप से साइंस, उस जानवर को जिससे उस वक्त इकोनॉमी चलती थी, इतिहास पढ़ के देख लीजिए, बेटी की शादी में स्कूटर कार नहीं दिए जाते थे, गाय दी जाती थी, उससे पूरा एक सिस्टम चलता है। अध कचरे कॉर्वेंट जैसी नाजायज जगह में पलने वाले बच्चों के बीच में भारतीय बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे तो आपकी मानसिकता भी अध कचरी हो जाएगी। यह बदकिस्मती है कि इस देश में अगर आप अध्ययन करें तो सुअरों को सब्सिडी दी जा रही है, सुअर पालने वालों को सब्सिडी दी जा रही है। सुअर का मतलब मैं आप दूसरा मत लीजिए, मैंने कहा कि सुअर पालने के लिए सब्सिडी दी जा रही है लेकिन गाय पालने के लिए नहीं दी जा रही है, सुअरों के लिए और सुअरों को सब्सिडी दी जा रही है। हर तरीके की संविधान को तोड़ करके दी जा रही है कि हमें देनी है। फिर कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण करो, सुअर जो है जनसंख्या नियंत्रण को मैं यकीन नहीं रखता,
सिर्फ गाय ही रखती है। इसलिए गाय जिस दिन राष्ट्रीय पशु घोषित होगा उस दिन सुअरों को सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी, सुअर पालन पे सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। लड़ाई लड़नी है तत्कालिक तौर के निजी स्वार्थ और फायदे की लड़ाई मत लड़िए। आपके पास समय भी कम है, युद्ध बहुत लंबा है, जो युद्ध एक आपको नजर नहीं आ रहा। ये जो भागनगर में हुआ है, देश के हर शहर में ये जिहादी 24 घंटे यही काम कर रहे हैं। एक युद्ध है जो अंदर चल रहा है, जो दिख नहीं रहा है, जिसको बीच बीच में आप देखते हैं। अच्छा 10 मार दिए, अच्छा आज गुजरात में हो गया, आज राजस्थान में हो गया। आप सिर्फ इन खबरों को गिनिए। इसलिए अपने स्वार्थ से हट करके वो मांग करिए कि आपके जाने के बाद भी इस देश की व्यवस्था पर ऐसे लोग बैठें कि जो सनातन के किसी मूल के खिलाफ अगर सपने में भी सोचें तो सपने में कुर्सी छीनने की ताकत आपकी हो। इसलिए मैं मानता हूं कि जागृति का सबसे बड़ा जो मैं मापदंड देखता हूं वो ये है कि अगर आप राष्ट्र को मानेंगे, अगर राष्ट्र की परिभाषा आपकी यह है कि राष्ट्र प्रथम है, देश बाद में है, देश चलाने के लिए सरकार संसद बैठी है, आपने जिसे चुना है, इसलिए लोग कहते हैं मैं देश के लिए जान दे सकता हूं। देश के लिए आप जान दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि आप देश के अंग नहीं हैं। देश की जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, पुलिस है, जज है, यही देश से तनख्वाह लेते हैं, इसलिए वो जान दें तो कुछ मतलब है? हमारे जान देने का क्या मतलब है? हम राष्ट्र के लिए